जशपुर जिले की विशेष पुलिस टीम ने फिल्मी अंदाज में फरसाबहार क्षेत्र के तुबा जंगल में जुमे के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। बाराती बनकर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने जंगल में चल रहे जुमे के अड्डे पर छापेमारी कर 8 जुमारियों को पकड़ा है। इस मामले में एसपी ने फरसाबहार के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया है। फरसाबहार थाना क्षेत्र के तुबा जंगल में लंबे समय से जुआ खेलने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर डीएसपी ध्रुवेश जय सवाल एवं भानु प्रताप चंद्राकल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपनी पहचान छुपाने के लिए गाड़ी में बाराती वाहन शुभ विवाह तुलसी संघ रजनीश का पॉम्पलेट चस्पा कर तुबा के घने जंगल में मोबाइल नंबर को साइबर सेल के सहयोग से ट्रेस कराते हुए जंगल में चल रहे जुआ फड़ के पास तीनों ओर से घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस ने 8 जुवानियों को पकड़कर उनके पास से 1,02,120 रुपए, 6 नग, एंड्रॉयड मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल व ताशपत्ती बरामद किया है। वहीं एसपी ने जुआ प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी फरसाबहार टीआई रामसाय पैकरा को निलंबित भी कर दिया है। जुआरियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर एसपी शशि मोहन ने इस प्रकार से जानकारी मीडिया को दी। थाना फरसाबहार क्षेत्र के जंगल में लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि वहां पर सुनियोजित तरीके से फड़ लगाकर जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर डीएसपी ध्रुवेश जायसवाल, हरीश पाटिल और भान प्रताप चंद्राकर के नेतृत्व में तीन टीम बनाया गया और चूंकि वहां पर जुआ खेलने वाले जुआरी पुलिस के आने की सूचना पूर्व में ही दे देते थे और वहां पर वो सतर्कता बरतते थे, इसके कारण वहां पर बाराती की शक्ल में टीम को निकाला गया। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो चूंकि अंधेरा था तो क्रॉलिंग करके भी कुछ देर तक जाना पड़ा पुलिस पार्टी को, लेकिन अंततः पुलिस को देख के जब जुआरी भागने लगे तो इन्हें दौड़ा के पकड़ा गया। कुछ लोग हालांकि भागने में सफल रहे, फिर भी 7 जुआरियों को पकड़ा गया। इनके पास से 1,02,141 रुपया बरामद किया गया है, ताशपत्ती बरामद किया गया है और इनके खिलाफ जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है। चूँकि इस घटना में थाना प्रभारी की लापरवाही परिलक्षित हो रही थी, अतः इस घटना के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही हमारी कोशिश है कि जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में अगर इस तरह की अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं तो वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई आगे अभियान के तौर पर जारी रखा जाएगा।